हमारी आइडेंटिटी पे प्रहार की तरह लीजिए। और आइडेंटिटी पे अटैक दो ही तीन रीज़नों के लिए किया जाता है, एक आपको ख़त्म करने के लिए, दूसरा खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष, आप देखते हैं क्वेश्चन आर भारत। आप लोगों को पता है कि भारत की सभ्यता पर अटैक आज से नहीं हो रहा है, जब से भारत आज़ाद हुआ है, और उससे पहले से मुगलों ने शुरुआत ऑलरेडी कर दी, फिर ब्रिटिश ने कुछ की, मैकॉले आए, उन्होंने ऐसी एजुकेशन पॉलिसी को इस्टेब्लिश कर दिया कि सिर्फ अटैक ही अटैक होगा। भारत की सभ्यता को, भारतीय कल्चर को लोग अपने पूर्वजों को ऐसी नज़रों से देखेंगे, हीन भावना से देखेंगे कि उन्हें खुद पर कभी गर्व होगा ही नहीं। हिंदी, संस्कृत इतनी पुरानी भाषाएं हैं, इतनी बढ़िया भाषाएं हैं, उस पर आप कभी गर्व नहीं कर सकते। संस्कृत को डेड लैंग्वेज डिक्लेयर करने में किसी ने कोई कसर छोड़ी ही नहीं। संस्कृत और हिंदी की कभी बात आती है, बहुत बड़ा विरोध पूरी देश में चलने लग जाता है कि भाई क्यों संस्कृत पे बात क्यों आ रही है, इसको लैंग्वेज संस्कृत तो छोड़ो, हिंदी जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है नॉर्थ इंडिया में और दुनिया की सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषाओं में से एक है, उसको अगर कह दिया जाता है कि पूरे भारतवर्ष में संस्कृत और हिंदी, स्पेसिफिकली हिंदी, संस्कृत तो चलिए बहुत आसान नहीं बोलना, हिंदी को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह बच्चों के सामने रखा जाए कि वो बोलना तो समझें कि हिंदी एक भाषा जिससे एक कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाए नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बीच में। कभी कमल हसन उठ के आ जाते हैं, 2000 years later. Music. कभी इस्लामिस्टों को प्रॉब्लम होने जाती है, मतलब ये सब चलता आया है। उसी फ्लो में अभी झारखंड गवर्नमेंट ने, उनके कैबिनेट ने एक प्रपोजल को अप्रूवल दे दी उनकी नई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत भाई, कि एग्ज़ाम्स जो होंगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या जो भी रिक्रूटमेंट होगा उसमें हिंदी और संस्कृत को ड्रॉप कर दिया जाए और उर्दू को रखते हुए बाकी रीजनल भाषाओं को महत्व दिया जाए। अब मुझे कोई ये बता दे कि जिस उर्दू को मुस्लिम अपीजमेंट के लिए रखा गया है, जैसे मैं क्लियर कट बोलना चाहता हूँ और कोई इंटेंशन ही नहीं है, जिस उर्दू को मुस्लिम अपीजमेंट के लिए रखा गया है, वो ये बता दे कि क्या उर्दू का जन्म अरब वर्ल्ड में हुआ था, क्योंकि इस्लाम का जन्म अरब वर्ल्ड में हुआ था और जो अरबी चीज़ें हैं वही इस्लाम से संबंधित हैं, भारत की चीज़ें नहीं हैं। तो उर्दू जब दिल्ली के आसपास के एरिया में डेवलप हुई, जो अरबी और पर्शियन की लैंग्वेज से प्रभावित है, बस प्रभावित है, जन्म भारत में ही हुआ है उस भाषा का, तो आपने किस इंटेंशन से रखा? क्या आपको लगता है उर्दू मुसलमानों की भाषा है? नहीं, क्लियर कट नो। बस, और हमारी भी लहजे में, जैसे मैंने कुछ टर्म यूज़ किया, लहजा, तमीज़, ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, उर्दू हिंदी मिक्स हो चुकी है आज, तो उसको आप कौन सी भाषा बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मिक्स्ड। तो अगर आप उर्दू रख सकते थे तो हिंदी क्यों नहीं रखा? क्या मैसेज देना चाहते थे? चलिए संस्कृत हटा दिया, एक्सेप्टेबल, मतलब बहुत टिपिकल लैंग्वेज, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, किसी को सीखने समझने में इंटरेस्ट आना, बहुत चीज़ें होने में तब तक समय लग जाएगा, लेकिन उसको हटा देना समाधान नहीं था। मतलब एक बार को समझ में आ जाए कि झटके से नहीं, लेकिन हटा देना समाधान नहीं था। तो इस पर भाजपा ने कहा भाई ये डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, भेदभाव कर रही है, तमाम चीज़ें कर रही है, लेकिन इसका मुझे लगता नहीं कि कुछ खास असर पड़ा है भाजपा के विरोध का। मुझे नहीं लगता कि सेंटर में भाजपा बैठे हुए इन सब चीज़ों पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है। मुझे पता है कई मामलों में सेंटर स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन कई मामलों में इतना बड़ा विरोध तो दर्ज करा सकता है, कम से कम एक ऐसा मैसेज दे सकता है, ये चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हैं नेशनल लेवल पर। खैर, अगर कोई झारखंड से देख रहा है तो मुझे बताए कि आपका क्या विचार है झारखंड की इस पॉलिसी पर। आप मुझे बताइए कि आपको वाकई में हिंदी संस्कृत से प्रॉब्लम है, क्या आप इस स्टेप को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्या आपको नहीं लगता कि इस स्टेप में, इस पॉलिसी में एक कोई एजेंडा है, मोटिवेटेड एजेंडा है मुसलमानों को खुश करने का? और मुसलमान भी खुश क्यों हो रहे हैं, वो बहुत बेवकूफ़ है। अरबी को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, भारत की ही भाषा है उर्दू और उसको रखा गया, ठीक है, लेकिन इंटेंशन जो थी वो समझ में आ रही, इसलिए बस लोगों को दिक्कत है कि हिंदी क्यों हटाई। अच्छा, तो आप इस बारे में विचार करिए, इसको सिर्फ एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप की तरह देखा जाए, ये भेदभाव करने के तरीके हैं बस, जनता को आपस में है ना डिवाइड एंड रूल, ताकि एक डिफरेंस क्रिएट हो जाए और एक वोट बैंक स्टैब्लिश हो जाए कि हम तुम्हारे लिए देखो बोल्ड स्टेप्स ले रहे हैं, हिंदी संस्कृत हटा दिया, उर्दू को रहने दिया। और मैं जनता से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक नैरेटिव, एक पर्सपेक्टिव सेट करने की कोशिश करिए कि जब भी हमारी भाषा, कल्चर, हेरिटेज, स्ट्रक्चर्स, मॉन्यूमेंट्स, कुछ भी इन सब चीज़ों के बारे में कुछ छेड़छाड़ की बात होना, तो आप इसको सनातन धर्म और भारत पे प्रहार की तरह लीजिए, हमारी आइडेंटिटी पे प्रहार की तरह लीजिए। और आइडेंटिटी पे अटैक दो ही तीन रीज़नों के लिए किया जाता है, एक आपको ख़त्म करने के लिए, दूसरा खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए।
मतलब दूसरे थॉट प्रोसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए आपके ऊपर, और कोई इंटेंशन आपका भला करने के लिए सब नहीं किया जा रहा है। इसको समझने की कोशिश करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा तक लोगों के बीच में बातें पहुँचाइए और इस पर डिस्कशन करना शुरू करिए। जहाँ भी हो रहा है, जो भी चीज़ें निकल के आए, झारखंड में भी डिस्कशन होना चाहिए कि क्या ये सही है, क्यों किया, इसके पीछे की इंटेंशन क्या, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, ये करना क्या चाहते थे। खैर इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।